कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंची। काशी विश्वनाथ मंदिर और मां कुष्मांडा के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद किसान न्याय रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, शहर को साफ करने वालों के प्रति सीएम ने अपशब्द कहे। प्रियंका ने कहा कि जनता दुखी और त्रस्त है, आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पीएम के खरबपति मित्र रोजाना हजारों करोड़ कमा रहे हैं। कोरोना काल में रोजगार बंद हुआ लेकिन सरकार ने राहत नहीं दी, देश के हवाई अड्डे रेलवे अपने मित्रों को सौंप रहे हैं। पीएम ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे, 1 हवाई जहाज 8000 करोड़ का और देश की एयर इंडिया को 18000 करोड़ में बेच दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश नष्ट हो रहा है, इसको पहचानिए, सच्चाई बोलने से क्यों डर रहे हैं, चुनाव की नहीं अब देश की बात है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।